यहाँ हम मखाने का खीर बनाने के लिए आधा लीटर दूध, चीनी, मखाना लिया है और ये पिस्ता, बादाम, केसर, चिरौंजी, इलायची और सजाने के लिए पिस्ता बड़ा काट लिया हमने और काजू और बादाम। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। सबसे पहले हम ये बादाम और ये काजू, किशमिश को हम हल्का फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे धीमी आंच पर। ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे हल्की आंच पर भूनना है बस। अब मैं इसे निकाल लूँगी। उसी बचे हुए घी में हम इसे भूनेंगे मखाने को। धीरे धीरे भूनेंगे हम हल्का ब्राउन होने तक। अभी भुना गया ये, अभी हम इसे पीसेंगे। आधा पीस लेंगे इसमें से हम निकाल के, आधा हम ये मखाने को इसमें पीसेंगे जार में। और ये चिरौंजी और ये पिस्ता और ये बादाम, काजू बादाम पीसेंगे इसमें डाल के। अब हमने ये दरदरा पीस लिया है लावा को। अब हम चलेंगे गैस जलाने। अब हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम ये दूध डालेंगे। इसमें जो हमने मखाना भुने थे ये डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं धीरे धीरे इसको चलाऊंगी मखाने को। दूध गर्म हो रहा है, ये चीनी डालूंगी। दूध में उबाल आ गया है, इसमें मैं ये केसर डालूंगी। अभी हम उबालेंगे इसे कुछ देर तक, 5 से 6 मिनट तक, थोड़ा गाढ़ी हो जाए ये दूध। बनाने में भी बहुत आसान है मखाने का खीर। अब इसमें हम 2 मिनट पका लिया। अब इसमें हम ये पीसी हुई ये मेवे डालेंगे इसमें। ला देंगे इसे हम अच्छे से। इसमें हम ये इलायची डालेंगे, इलायची पाउडर, ये 3-4 मिनट हमने पका लिया और ये गाढ़ी हो गई है, खीर तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये किशमिश डालेंगे और ये काजू और ये बादाम, इसको हम सब एक साथ मिला लेंगे। अब हम सर्व करेंगे। अब ये मखाने का हलवा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।